हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिड्स किचन। हियर इज द रेसिपी ऑफ राइस खीर। उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन ऑन द राइट हैंड साइड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीर। खीर के लिए मैंने 500 ml जितना दूध लिया है, उसको मैंने एक पतीले में उबालने के लिए रख दिया है। अभी इसको हम थोड़ा उबलने देते हैं। साथ साथ में मैंने ये बासमती राइस को, मैंने हाफ बोल जितना बासमती राइस को साइड पे 10 मिनट भिगोने के लिए रख दिया है। बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए, ये गरम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने राइस भिगो के रखा था उसका पानी निकाल देंगे। देखिए, मैंने पानी निकाल दिया है। अभी इसमें मैं हाफ टी स्पून जितना घी एड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैंने मिक्स कर ली है। अभी इसको हम दूध में ऐड करेंगे। देखिए, इसमें मैं ऐड कर रही हूं। अभी इसको हमें, जब तक ये दूध थोड़ा जल नहीं जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना है, हिलाते रहना है। देखिए, ऐसे कंटिन्यूअस हमको स्टिर करते जाना है। हमें 10 से 15 मिनट ऐसे स्टिर करते जाना है। आपको चावल ज्यादा पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से ऐड किया है। ऐसे कंटिन्यूअसली आप स्टिर करोगे तो नीचे वो पतीले में चिपकेगा नहीं, और ऐसे कंटिन्यूअसली आपको स्टिर करना है। देखिए, अभी इसमें ये कुक हो चुका है राइस। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर। शुगर आपको 5 से 6 टेबलस्पून ऐड करनी है। आप अपने हिसाब से, ज्यादा स्वीट पसंद करते हो तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा 2 से 3 मिनट फिर से कुक होने देना है। ये रेडी हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं, बाद में हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अभी इसमें मैंने कुछ 2-4 बादाम, कैश्यू एंड पिस्ता के छोटे छोटे पीसेस करके रख दिए थे, इसमें मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको करना हो तो कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो आप। ये मैंने कर दिए है, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।